आज के समय में हमारे बीच में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को अपने जीवन से पूरी तरह त्याग दिया है और अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में लगा दिया है। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही फोकस है कि वो किसी भी तरह से समाज और मानव सभ्यता का विकास कर सके। इंडियन स्पिरिचुअल लीडर मोटिवेशनल कोच श्री गौर गोपाल दास जी के बारे में एक चीज कही जाती है, उनके सेमिनार में डीप नॉलेज के साथ साथ एक बेहतरीन ह्यूमर भी होता है। गौर गोपाल दास जी का जन्म 21 दिसंबर 1973 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये बचपन से ही काफी जिद्दी और शरारती रहे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग पुणे से की, पढ़ाई में बेहद अच्छे थे जिसके चलते वो अपनी पूरी क्लास के लाडले हुआ करते थे। साल 1982 में गोपाल दास ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने साल 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वो स्कूल में पढ़ाई में अच्छे होने के साथ ही कॉलेज में भी एक होशियार स्टूडेंट की तरह थे जिसके चलते उनकी कॉलेज से प्लेसमेंट HP में हो गई। लेकिन उनका मन जॉब में नहीं लगा जिसके एक साल बाद ही उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बचपन में अपने घर में सबका लाडला था और मैं इतना ज्यादा जिद्दी था कि जो चीज मुझे पसंद नहीं होती वो मैं खाया नहीं करता था। अगर खाना मेरी माँ मुझसे बिना पूछे बनाती थी तो मैं उसे नहीं खाता था, उसके लिए चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। गोपाल दास जी अपने कॉलेज के दिनों से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज में रह रहे लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के दो बच्चों को फ्री में मैथ की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। जो मैथ सब्जेक्ट में बहुत कमजोर स्टूडेंट थे, गोपाल दास जी दोनों स्टूडेंट को पूरे साल 2 घंटे रोजाना मैथ की ट्यूशन देते थे और अगर मेहनत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ की जाए तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। और उन दोनों बच्चों ने मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और इसके बाद ही गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि और सकारात्मकता की प्राप्ति हुई। उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें फ्यूचर में समाज के लोगों के लिए पॉजिटिव काम करने हैं। उनसे जब किसी ने पूछा था कि आप हमेशा से सन्यासी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सन्यासी बनूंगा, लेकिन हाँ बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों का कल्याण हो सके। साल 1996 में अपनी नौकरी छोड़कर अपने अंदर की उलझन को खत्म करते हुए और समाज में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए उन्होंने साल 1996 में राधानाथ स्वामी जी के सानिध्य में मुंबई इस्कॉन चौपाटी ज्वाइन कर ली। जब उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की तब वो शुरू शुरू में बहुत छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाया करते थे, जैसे अच्छा खाना ना मिलना, आराम की जिंदगी ना मिलना जैसी बहुत सारी चीजें। लेकिन गौर गोपाल दास जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को याद किया और खुद से एक सवाल किया, क्या वो यहाँ सिर्फ आराम और अच्छा खाना खाने के लिए आए हैं? इसके बाद उन्होंने परेशानियों से ध्यान हटाकर स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आज के वक्त में गौर गोपाल दास जी एक स्पिरिचुअल लीडर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है और समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। वो साल के 365 में से लगभग 280 दिन ट्रेवल करते हैं जिससे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं और कॉर्पोरेट्स में अपनी ट्रेनिंग से लोगों के जीवन में पॉजिटिव रूट ला सके। इन्होंने 2 बुक भी लिखी है जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उनकी पहली बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स और साल 2020 में द वे ऑफ मॉन्क के नाम से बुक लिखी। गौर गोपाल दास जी को TEDx में अक्सर लोगों को प्रेरित करने और समाज को सही दिशा दिखाने के लिए स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। साल 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गौर गोपाल दास जी को बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस सब्जेक्ट पर स्पीच देने के लिए इनवाइट किया, जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गौर गोपाल दास अपने YouTube चैनल से भी समाज की सहायता कर रहे हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।